हरे कृष्णा, मैं कृष्ण वंदना जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेथी मार्केट में भरपूर मात्रा में आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम जगन्नाथ जी के लिए सात्विक मेथी मटर मलाई इस्कॉन टेम्पल स्टाइल बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक हमें कढ़ाई लेनी है, उसमें एक चम्मच बटर। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें, नहीं तो आपका बटर जल जाएगा। इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें है सबसे पहले दालचीनी की एक स्टिक, 3 इलायची, काली मिर्च 3, लौंग 1। हल्का सा ये जब तक फ्राई होती है तुरंत उसमें आपको ऐड कर देना है एक साबुत हरी मिर्च, उसको बीच में से काट लें, नहीं तो वो फट जाती है और जलने का डर रहता है। खरबूजे के बीज 1 चम्मच, 4 से 5 काजू, आधा टेबल स्पून धनिए के बीज यानी खड़ा साबुत धनिया, आधा टेबल स्पून सौंफ। अब इसको हमें मिक्स करना है और हल्का सा ये जब भुन जाएगा उसके बाद में, इसको ठंडा होने के बाद में मिक्सी के जार में हमें ऐड करना है और इसका एक पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट में यहाँ हम थोड़ा सा दूध का यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, 2 चम्मच लगभग। और ये हमारा जो पेस्ट है वो बन के तैयार हो गया है। आप दूध की जगह पानी भी यूज़ में ले सकते हैं। वापस उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालें यदि कम है तो, नहीं तो उसी घी में ही हमने हींग डाली है और आधा टीस्पून जीरा। जीरा हल्का सा तड़क जाए उसके बाद 2 कप हरी मेथी। मार्केट में बहुत ही अच्छी फ्रेश आपको हरी मेथी मिल जाएगी, तो आप इसको फ्रेश लेके आएं और फ्रेश ही बनाएं। मेथी को मोटी वाली डंठन हो तो उसको निकालें और अच्छी तरीके से 2 से 3 बार धोएं, उसके बाद ही आप इसमें ऐड करें। इसको हमें 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भूनना है जिससे इसकी कड़वाहट कम हो जाए। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है अपना मसाला। यदि आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं मेथी मटर मलाई को, तो आप उस टाइम कसूरी मेथी को पानी में पहले भिगा दें, उसके बाद इसमें ऐड करें। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था काजू का, खरबूजे के बीज का और कुछ खड़े मसाले मिला के, उसको हमें इसमें ऐड करना है और अच्छे से सौते करना है जब तक हल्का सा ऑयल ऊपर ना आ जाए। 1 कप पानी ऐड करना है। पानी मैंने जार में थोड़ा बहुत रह जाता है मसाला, तो उसको जार में ही 1 कप डाला है और उसको खगोल के अच्छे तरीके से ऐड कर दिया, क्योंकि माता जी लोग कुछ भी वेस्ट नहीं करती हैं। स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, पाव भाजी मसाला 1/2 चम्मच, जीरा मसाला 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, मेथी की कड़वाहट को कम करने के लिए 1 चम्मच चीनी। चीनी है वो टेस्ट को बैलेंस करेगी, मेथी की कड़वाहट बच्चों को नहीं आएगी और जो सब्जी है वो बहुत ही डिलीशियस और क्रीमी टेस्ट देगी आपकी। अच्छे से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसमें हमें ऐड करनी है 1 कप फ्रेश हरी मटर, 1 कप क्रीम। तो यहाँ पर जो मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ वो अमूल की ऐड कर रही हूँ, और आप चाहें तो अपना फ्रेश क्रीम जो दूध पे से मलाई निकाल के उसको अच्छी तरीके से फेंट के उसको भी ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 8 से 10 मिनट के लिए निडल से कवर करना है जिससे जो हमारी मटर है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। सात्विक रेसिपी बहुत ही हेल्दी होती हैं, क्योंकि बोलते हैं ना जैसा खाएंगे हम वैसा होगा मन। यदि हम तामसिक प्रसादम लेते हैं तो हमारा जो नेचर है वो भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का होने लग जाता है। तो कोशिश करें, और ऐसी जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं उसमें माता जी लोग चाहें तो ऑनियन गार्लिक स्किप कर सकती हैं और किसी को बताएं नहीं कि हमने नहीं डाला है। बच्चे पूछें या घर में कोई भी प्रभु जी लोग होते हैं, आपके हस्बैंड वगैरह पूछें, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, बस कुछ सीक्रेट है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और आप अपनी रेसिपीज़ में से धीरे धीरे करके प्याज और गार्लिक को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेथी मटर मलाई है वो बनके तैयार हो गया है, और देखिए कितना देखने में ही क्रीमी लग रहा है और बहुत ही इसका जो टेस्टी, सभी ने बोला था कि भाई ये वाली रेसिपी तो आपको दोबारा बनाना है। इसको हम
अब गार्निश करेंगे, तो गार्निश करने के लिए यहाँ पर हमने पनीर ऐड किया है और ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे मलाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको और लोगों को भी शेयर करें, साथ में ही हमें अपना फीडबैक भी दें, जिससे हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है आपके फीडबैक से। और यदि हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको हम सुधारें। ऊपर से फ्रेश क्रीम डालनी है। क्रीम डालने के बाद में हम पराठों के साथ अपने जगन्नाथ जी को ऑफ़र करेंगे। ऑफ़र करते टाइम आप तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा खाएंगे अन वैसा होगा मन, इसलिए शुद्ध और शाक्य प्रसाद लें, खुश रहें, चैंटिंग करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।